नमस्कार, आप देख रहे हैं beforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। महागठबंधन में बिहार उपचुनाव को लेकर दरारें बढ़ती जा रही हैं। बिहार उपचुनाव की घोषणा क्या हुई, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दल आपस में ही भिड़ पड़े। स्थिति ऐसी बन गई कि आपस में ही अब सभी टूट के कगार पर हैं। शुरुआत जीतन राम मांझी से हुई। मांझी ने ही सबसे पहले ऐलान कर दिया कि वो महागठबंधन में राजद की बात नहीं मानेंगे, वो अलग चलेंगे। उनके पीछे पीछे वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी हो लिए। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जहां जहां मांझी जी जाएंगे वहीं वहीं वो भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस ने भी राजद से अलग होने का फैसला कर लिया, यानी महागठबंधन से किनारा करने का फैसला कर लिया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है कि कांग्रेस ने बिहार में होने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर सभी सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। पहले बात हो रही थी कि जो सीटें उनकी खाली हुई किशनगंज की, वो उस पर लड़ना चाह रहे थे और एक लोकसभा की सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही थी। लेकिन अब जो सूचना मिली है उसके अनुसार कांग्रेस चाहती है कि बिहार में 5 के 5 विधानसभा सीटों पे होने वाले उपचुनाव में उनके कैंडिडेट खड़े हों। यह प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने दिल्ली आलाकमान को भेज दिया है। हालांकि उन्होंने गुंजाइश थोड़ी रखी है। कांग्रेस ने का कहना है कि आला कमान जो फैसला करेगा हम लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन महागठबंधन में जो टूट की बड़ी खबर है वह यहीं से साबित हो जाता है कि सीट बंटवारे पर वहां सहमति नहीं बन सकी है। यही कारण है कि जीतन राम मांझी भी नाराज हैं, मुकेश सहनी भी नाराज हैं और कांग्रेस भी अंदर अंदर घुट रही है। अब बात इसमें कर लें हम रालोसपा की। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, खुद रालोसपा प्रमुख बीमार चल रहे हैं, उन्हें डेंगू हुआ है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ऐसे में रालोसपा का कोई स्टैंड साफ नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है जिन्होंने, जैसा कि मांझी जी ने कहा है, जीतन राम मांझी उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक कि महागठबंधन में अगर राजद नहीं भी रहे तब भी राजद वो महागठबंधन जो है वो बना रहेगा। इसका मतलब है कि उन्हें विकासशील इंसान पार्टी और रालोसपा का साथ मिलेगा। अब देखिए विवाद कैसे खड़ा हुआ है कि राजद ने कह दिया है कि सभी चारों सीटों पर राजद के उम्मीदवार जीतते आए हैं, तो ऐसे में राजद के उम्मीदवार तो उतरेंगे ही। लेकिन ऐसा कहा गया था कि नाथनगर सीट पर जीतन राम मांझी के उम्मीदवार अजय राय लड़ेंगे चुनाव, ऐसा हुआ नहीं। उनकी बातें हो गई थी, सहमति हो गई थी, लेकिन इन वक्त पे राबड़ी देवी ने रजिया खातून को नाथनगर से उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में जीतन राम मांझी नाराज हो गए। उन्होंने कहा महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जब हमारी सहमति हो गई थी, हमने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो फिर राजद ने कैंडिडेट कैसे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा मैं बस एक ही सीट तो मांगा था। लेकिन ऐसे में राजद ने उम्मीदवार अगर खड़ा कर दिया है तो इससे मांझी अब बागी हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राजद के खिलाफ मुकेश सहनी भी खड़े दिख रहे हैं, जो कल तक तेजस्वी यादव के साथ दिखते थे, हर एक जगह मंच पे होते थे, मछली भात का भोज आयोजन हुआ था लोकसभा चुनाव के वक्त में। वो मुकेश सहनी आज कह रहे हैं कि मांझी जी जहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे वे वहां मांझी जी का सपोर्ट करेंगे लेकिन राजद का सपोर्ट नहीं करेंगे। और खुद मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया है कि सिमरी बख्तियारपुर में हम ये वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार वहां पर होगा। यानी अपनी अपनी सीटें चुन ली गई हैं, राजद ने भी अपनी अलग राहें पकड़ ली, मांझी ने अपनी अलग राहें पकड़ ली, मुकेश सहनी ने अलग राहें पकड़ ली और कांग्रेस ने भी ताज़ा यह ऐलान कर दिया कि पार्टी आला कमान से उन लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि वो बिहार के 5 के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहते हैं और इसमें कांग्रेस के सभी सीटों पर कैंडिडेट उतरेंगे। तो फिर ऐसे में ये बगावत की जो बात वही हो गई है कि महागठबंधन नहीं यह लठबंधन हो गया है। अब आपस में ही ये सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो गई है। और दूसरी ओर जहां एनडीए की बात करें तो एनडीए में सब कुछ नॉर्मल है, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे सीटों का भी बंटवारा हो गया है, कोई विवाद नहीं है। तो ऐसे में यह फिर से लगने लगा है कि इसी बंटवारे के चक्कर में जो लोकसभा में नुकसान माना जा रहा था कि महागठबंधन में हुआ है, कहीं ना कहीं इस बार भी एनडीए को इसका फायदा जरूर मिलता दिख रहा है। और महागठबंधन में जो बंटवारे की स्थिति है जिसमें सिर्फ फुटबॉल हुआ है, सीट आपस में सहमति के कारण नहीं बन सका, तो ऐसे में अब एनडीए जो है फिर से एक मजबूत गठबंधन के तौर पे बिहार में उभरता दिख रहा है और महागठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन नजर आ रहा है।
बिफोर प्रिंट डॉट इन में फिलहाल इतना ही। बिहार और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।